पंजाब में कपास की खेती करने वाले कई किसान इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहे हैं। यह संकट गलत बीज इस्तेमाल करने के कारण पैदा हुआ है। पंजाब में मालवा के कई जिलों में कपास की खेती करने वाले किसानों के खेत खाली हैं। फसल के तैयार होने से पहले ही गुलाबी सुंडी का हमला हो गया है। इस हमले की चपेट में पंजाब का कोई बीज नहीं आया है, बल्कि जिन किसानों ने गुजरात की कंपनी से BG4 बीज खरीदा था, उन किसानों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीज में न केवल कॉटन लीफ कलर वायरस को बढ़ावा दिया है, बल्कि इससे किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। मानसा जिले के किसानों के अनुसार गुजरात की कंपनी का बीज ऊंचे दाम पर यह कहकर बेचा गया कि यह बीज कपास की फसल को गुलाबी सुंडी से बचाएगा। प्रतिष्ठित ब्रांडों के 800 रुपए के औसत प्रति पैक BT कपास के बीज के मुकाबले गुजरात प्रजाति के बीज 1500 रुपए प्रति पैक अधिक पर बेचे गए हैं। अधिक पैदावार और कोई संक्रमण नहीं होने के वादे के लालच में कई किसान फंस गए हैं। किसानों को खतरे का एहसास तब हुआ जब कई कई बार स्प्रे के बावजूद पत्ते नहीं खुले। मानसा जिला के किसानों के अनुसार पंजाब के बीजों की वजह से अच्छी फसल सामने आ रही है, लेकिन गुजराती बीजों की वजह से फसल खराब होती दिखाई दे रही है। अब वो गुजराती कंपनी के झांसे में आकर बहुत पछता रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुल 40 लाख हेक्टेयर में से अनुमानित 2 लाख एकड़ में इसकी बिजाई हुई है। किसानों की मांग है कि पंजाब सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले 2 वर्षों में कपास के उत्पादन में गिरावट देखने को मिली है और इससे कपड़ा उद्योग में अनिश्चितता पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।